सो गाइस, मैं आया हूँ गांव में। एक आध दिन के लिए गांव आ गए थे छुट्टियों में। तो यार, यहाँ पे जामुन का पेड़ है। अभी मैं दिखाता हूँ एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। बंदरों ने जामुन में कुछ नहीं छोड़ा है लिटरली यार। थोड़ी बहुत हल्की हल्की दिख रही है, एक सफाया ही कर दिया। कच्ची कच्ची छोड़ी है पकी हुई कुछ नहीं छोड़ी। नीचे अवशेष दिख रहे हैं ना, ये सब जामुन है। 30 सारे जामुन झाड़ के उधर कचरे में डाल दिए एक साथ। उन्हें जामुन ही जामुन गिरी पड़ी है। ये भागते ही नहीं ससुरे हमसे ये देखो, पूरा जामुनों का कचरा हो रखा है लिटरली। इस जामुन में से कुछ नहीं खाने को मिले भाई। ये देखो, ये बैठे हुए ये नालायक सब कुछ तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। तोड़ के खा ही रहे हैं ना। अब तो मैंने छोड़ दिया इनके हाल पर, अब कुछ बचा नहीं इस पेड़ में। अब तुम खा लो जो बचा हुआ वो भी। क्या ही ये देखो, उधर झूल रहे हैं। अब इनको कहाँ तक भगाए। ये देखो, एक और पेड़ आ गया। क्या ही करें इनका इनको नीचे से भगा भी नहीं सकते। ये हमारे घर की कंडीशन, मतलब लोकेशन ऐसी है कि इधर जामुन का पेड़ है, उधर आम का पेड़ है, इधर नीम का पेड़ है। अब किधर से भगाओगे? नीम में से भाग के आम में आ जाएंगे, आम में से भाग के छत पे आ जाएंगे, छत पे से भाग के जामुन में आ जाएंगे। पूरा सर्किल काटते रहते हैं और हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं। अरे भाई साहब, हेलो, ये डंडा देख रहे हो तुम? ये नहीं भागे किसी के बाप से डंडे से, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? बंदूक दिखाओ तो कोई मतलब है। हालत ख़राब कर दी इन लोगों ने, अच्छी खासी एक्सरसाइज कर दी भगा भगा के, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और बस ये लोग चक्कर काटते रहते हैं इधर ही यार। हाथ में डंडा रखना पड़ता है डर के मारे। ये लाल मुंह वाले होते हैं तो मतलब रिटेलिएट करने के लिए तैयार रहते हैं कि सामने एकदम अटैक करने आ जाएंगे पोजीशन बना के। अभी भी गए नहीं है, उधर नीम के नीचे बैठे हुए हैं कुछ तो फैल गए यार चारों तरफ ये लोग। ये किधर से बह जाते हैं फिर? इनको भगाना इम्पॉसिबल है। जब इस तरह की लोकेशन हो आपकी और ये इतनी ज़्यादा नंबर्स में आ जाएँ तो फिर कैसे भागेंगे? अब देखो, बगल में हमारे मोहन बिछा हुआ घर है तो इनके भी पेड़ है काफ़ी, आंवले के, नीम के, आम के। तो इधर चले जाते हैं। अब इधर से भगाओ तो आगे बमूर का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उधर पीपल का पेड़ वो इतना बड़ा पेड़। फिर उधर चले जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये इतने आसपास ही रहते हैं। भगा के वहाँ चले जाएंगे, थोड़ी देर 5 मिनट वापस आ जाएंगे। कितना ही कोशिश कर लो, छोड़ो यार, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। पसीने ही पसीने आ गए। अब कुछ नहीं, हवा खाता हूँ मैं तो बस। ऊपर मौसम थोड़ा बारिश का जैसा हो रहा है, बट बारिश आने की चांसेस कम है। मौसम ज़रूर हो रहा है पर चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। जामुन और कंडीशन देखो, ऐसी भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही खा गए। ये देख रही है ना, आधी पकी। ऐसी भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही खा गए। ये देखो कमबख्त निकल के भाग के गया वो। मैं देख ही रहा था कोई तो है, कहाँ है पता नहीं, कहाँ छुपे रहते हैं दिखाई। उधर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, ये इकट्ठे होके सब उधर बैठे हैं नीम के नीचे। वो देखो ये और निकल निकल के आ रहे हैं ये। और गाइज, ये मेरा गांव मेरी छत से ऐसा दिखा नज़र आता है। आपने लगभग हर रंग हर रूप में देखा होगा इसे, क्योंकि मैंने इतने व्लॉग्स बना दिए हैं कि गांव को तो मैंने बहुत जगह, मतलब ऑलमोस्ट हर सीज़न में कवर कर ही लिया है। अभी बेसिकली बुवाई होगी है ना, बाजरे की बुवाई। खेत वेत जुत गए हैं, कईयों ने बुवाई कर दी है तो वो होगी भी, खेत खाली है। मतलब ये नज़र आएंगे बाद में, हो गएंगे जब पहाड़ पे भी ग्रीनरी आना स्टार्ट हो गई। बारिश जैसे भी बारिश हुई, थोड़ी बहुत एक दो दिन बारिश हुई थी, उसमें ग्रीनरी आना स्टार्ट हो गई है। मौसम बहुत अच्छा होता है शाम सुबह के टाइम, तो हवा चल रही है अच्छी खासी, मज़ा आ रहा है यार। देखो, बंदरों का आतंक हमारे गांव में कुछ ज़्यादा ही है एक्चुअल में। इधर नदवी में बहुत है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। पीछे देखो थोड़ा, वो जो चोटी दिख रही है ना, वो घाटी है थोड़ा जमीन की वहाँ पर, तो उधर ये रहते हैं वहाँ पे मंदिर के वहाँ पे। और वहाँ से ये बहुत सारी टोलियों में, पूरे पूरे में, आसपास सब जगह निकल जाते हैं। अब यार कई चीज़ें हैं मतलब मारते हुए भी अजीब सा लगता है बंदरों को, एक तो थोड़ा सा धार्मिक रीज़न भी है तो सिर्फ भगा देते हैं किस तरह से, कोई वैसे चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो समस्या ऐसी हो गई है कि इनको खाने के लिए वहाँ चीज़ें नहीं हैं। अब वहाँ पर जो हमारा जंगल का पोर्शन है, मतलब घाटी की दूसरी तरफ जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उसमें पूरे बमूर ऐसे फालतू के पेड़ हैं जो एक्चुअल में कुछ बहुत ही एनवायरमेंटली भी कोई कंट्रीब्यूशन इतना नहीं दे रहे हैं। वो पेड़ देखा जाए तो पेड़ वहाँ ऐसे होते, पीपल के होते है ना, या फिर जामुन के होते, आम होते, या ऐसे पेड़ होते जिनमें कुछ खाने को मिलता है बंदरों को, तब तो ये लोग वहीं टिके रहते, ये गाँव में नहीं घुसते। अब क्योंकि जो ये एनिमल और सोसाइटी का जो बोल सकते क्लैश है, वो कन्फ्लिक्ट है, वो होता ही इसलिए क्योंकि जब जानवरों को रहने, खाने पीने की चीज़ें ना मिलें तो वो फिर शहर या गांव की तरफ भाग के आते हैं। तो वही कंडीशन हमारे हो गई, यहाँ पूरे गांव में फैल गए हैं और अलग अलग मतलब टोलों में निकलते हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, कोई किधर से आ रहे हैं।
ऐसी कंडीशन है। अब इनमें जानवरों का कोई दोष नहीं है, बंदर भी काकर है, वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, ना पानी है वहाँ पे, वो जंगल सिर्फ नाम का है, उसमें कुछ नहीं है। तो वही कंडीशन है, अब ये पूरे पूरे में फैल गए हैं ऐसा, मतलब पिछले 5-7 साल में ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था। अब ये है कि इसके लिए कोई कुछ नहीं करता, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना गवर्नमेंट, कोई यार पेड़ लगाओ, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इसका मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ऐसे पेड़ लगाए जिनमें कुछ खाने को है, पीपल, गूलर, आम, जामुन, ऐसे पेड़ लगाए ना वहाँ पे, ये पेड़ एक्चुअली इनको ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती, थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद ये खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेड़ लगाए जाएँ जिनसे इनको कुछ खाने को मिले तो कुछ सॉल्यूशन निकले, गाँव वाले जो परेशान हो रहे हैं ना उनको भी इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, और ये भी वहीं टिके रहेंगे। अब ना पानी है ना खाना है तो क्या करें बंदर भी, और क्या करें हम भी कुछ नहीं खा पाते हैं। हमने जो आम लगाया वो आम का फ़ायदा उनमें से एक आम नहीं खाया, देखा जाता क्या ये खाई है, आम पकने नहीं दिए, ये पहले ही ख़त्म इनके द्वारा। फिर जामुन तो भाई मैंने दिखाया जैसे आधी भी नहीं पकी, उससे पहले पूरा साफ हो चुका है मामला। तो यही कंडीशन है और पूरे गाँव में, इसलिए लोग आजकल यहाँ पर एक तरह से डिस्करेज भी हो रहे हैं, कोई बाड़ी नहीं लगाना चाहता, कोई फ्रूट्स के पेड़ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बंदरों ने परेशान कर रखा है कि बोले हम तो खा नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा यार। ये देखो भाई साहब, अब आज लंगूरों की बारी है, ये काले मुँह के लंगूर, बंदर कल बंदर परेशान कर रहे थे, आज लंगूर खाओ भाई, खूब खाओ, अब इसमें जो बचाए सब तुम्हारा है, अब मैं नहीं भगाने वाला इनको, मज़े से बिल्कुल पलटन आ रही है उधर बैठे हुए कुछ। ये देखो ये सामने नीचे बैठे हुए, चारों तरफ इन्होंने कवर कर रखा है, ये इनको क्या भगाए। सुन तो खड़े खड़े क्या टाइम पास कर रही है, ये बंदर क्यों नहीं भगाया तूने? ना भगाऊं मैं, एक दो भगा देगा तुम, तेरे को भगा देंगे, इतनी बड़ी फट्टू मतलब। चलो 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 चलो, कहाँ भाग रहे हो? अरे भागो, ये लोग पोज देने के लिए बैठे साहब। हाल क्या है जनाब का? ओ यो बड़ा बंदर, इन सबका लीडर हराम खोरी भी आई है यहाँ पर। हैं बंदर के बराबर तेरे बराबर के बंदर हैं, ध्यान से रही हो, किडनैप करके ले जाएंगे ये कमबख्त, इनका कुछ नहीं सकता। भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी लग रही है ना, उमस हो गई है जब से आया हूँ ना गाँव में, उमस इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बारिश की कोई संकेत नहीं फिलहाल, और उमस इतनी ज़्यादा है, लाइट ने परेशान कर रखा, पसीने नहीं सूख रहे। ये देखो सब पेड़ पर यही बैठे हैं, और ये देखो ये जना ये भाग के जा रहे हैं ये। ये देखो बच्चे को लेके बैठे हुए, बच्चा भी साथ में खा ही रहा है माँ से छीन छीन के। थोड़े बहुत जामुन बची हुई हैं, जब तक इसमें बिल्कुल ख़त्म नहीं जाएंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। पापा ने भगा दिए सारे, पुरानी टेक्निक्स बंदर भगाने की, आवाज़ कर करके भगा देते हैं, मेरे दादाजी भी इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। अभी एक आध बज रहे हैं, ऊपर भी कोई है क्या? तो भाई हम जा रहे हैं गांव से, जितना यहाँ टाइम रुके बढ़िया टाइम पास हुआ, गर्मी बहुत थी भयंकर, उमस जो कि मुझे लगता है नदवी में उतनी होने वाली है, बंदर बहुत भगा लिए, नहीं भागते भाई ये है ना। और ये मम्मी खड़ी पीछे ड्रॉप करने आई बाहर, मम्मी पापा थोड़ी देर बाद निकलेंगे जयपुर के लिए, हम लोग अभी निकल रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।